देश में कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में जयपुर के जेके लोन अस्पताल में बच्चों के इलाज को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तेजी से काम हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। 30 बेड का एडवांस आईसीयू तैयार किया जा रहा है, जिसे एक महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास 774 774 बेड है, जिनमें से हमने मार्क कर लिए हैं करीबन 600 बेड हम कोरोना के लिए रिजर्व रखेंगे। हमारे सारे बेड ऑक्सीजनेटेड हैं, तो ऑक्सीजन की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऑक्सीजन के लिए हमारे को 5 ऑक्सीजन प्लांट सेंक्शन हो गए, तो उसके हिसाब से 2 का तो काम शुरू हो गया है, बाकी 3 आने बाकी हैं। सर, एडवांस आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है आपकी ओर से, क्या इसके अलावा एक 30 बेडेड आईसीयू का काम चल रहा है, और एक हमारा प्लान है 30 बेडेड और आईसीयू लाइक फैसिलिटी डेवलप करने का। हाल ही में प्रदेश को दवा की किल्लत से भी जूझना पड़ा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने दवाओं की खरीद के लिए सरकार को लिस्ट भी भेज दी है। इसके साथ ही RUHS अस्पताल की ओर से बच्चों के लिए 2 फ्लोर डेडिकेट करने का भी वादा किया गया है। अगर फिर भी बेड कम पड़ेंगे तो RUHS में हमको 2 फ्लोर मिलने का वादा किया गया है, तो वो मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हालांकि घट रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की संभावना से अभी तक इनकार नहीं किया जा सकता है। शासन प्रशासन तो तैयार है, लेकिन सावधानी बरतना और बच्चों को संक्रमण की चपेट से बचाना सभी की जिम्मेदारी है। ETV भारत के लिए जयपुर से आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट।